खरगोन जिले से मजदूरी के लिए अन्य राज्यों में जाने वाले मजदूरों के साथ जाति और प्रताड़ित करने जैसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को कर्नाटक से गन्ना कटाई के लिए मजदूरों के लौटने पर ठेकेदार और उनके दुर्घटनाग्रस्त साथी मजदूरों को बंधक बनाने और इलाज के नाम पर रुपये मांगने का आरोप लगाया है। एसपी के नाम एएसपी को सौंपे शिकायती आवेदन में ठेकेदार पर कार्यवाही की मांग करते हुए साथी मजदूर को कर्नाटक से सकुशल वापस लाने की मांग की है। मजदूरों ने बताया कि वह 3 माह पहले कर्नाटक में गन्ना कटाई के लिए गए थे। ठेकेदार ने उन्हें प्रति मजदूर 40,000 रुपये दिए थे। 3 माह बाद जब लौटना चाहते थे उसी दौरान एक मजदूर दुर्घटना में घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस मजदूर से उपचार के ठेकेदार ने अन्य मजदूरों को दूसरी जगह काम करने को मजबूर किया है। एएसपी ने मजदूरों की शिकायत गंभीरता से सुनने के बाद उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मजदूरी का मामला है, मजदूरी के लिए यहाँ से ग्राम मोहदड़ से मजदूरी करने कर्नाटका गए थे। जो कर्नाटका का एक ठेकेदार अशोक गिरले करके है, उन्होंने एडवांस से पैसे दिए गाँव वालों को और वहाँ मजदूरी की गन्ना कटाई के लिए ले गया। वहाँ जाने के बाद 3 माह काम करने के बाद में इन लोगों का घर आने का हुआ तो उन्होंने एक चाल चली और एक जो मजदूर में से एक साथी था नानसिंह करके उसको किसी काम से बुलाया और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में इन लोगों का घर आने का पहले से विचार चल रहा था कि हम लोगों को भी 4-8 दिन के लिए घर जाना है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे पास तुम्हारे जो मजदूर के पैसे भी ख़त्म हो गए और इसके इलाज के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है तो तुमको दूसरी कंपनी में काम करना पड़ेगा, तुम यहाँ रुको और दूसरी कंपनी से पैसे निकाल के इसका इलाज करवाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम ज़्यादा समय हो चुके हैं, हम लोग अब दूसरी कंपनी में नहीं काम कर सकते, हमारे आदमी को जैसा तैसा आप इलाज करके सुधारो। तो उन्होंने कहा कि तो ये तुमको काम करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं काम करेंगे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती किया, उनके साथ में पूरा खाने पीने का सामान जो भी व्यवस्थित चीज़ें थी सारी चीज़ें उनकी उठा के ले गए और धमकी दिया इनको। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके इन्होंने इक्का दुक्का घर आए, घर आने के बाद इन्होंने मोबाइल लगाया उसको ठेकेदार को तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे आदमी को सुधारना है तो मेरे खाते में पैसे डालो। तो इन्होंने अपने घर से 2,24,000 रुपये डाले, वो पैसे भी अभी तक दवाखाने में नहीं पहुँचे। तो हमारा अभी इनका कहना है कि वो जो ठेकेदार है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और जो नानसिंह भाई है उनको सुरक्षित वापस घर लाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलिराम सूर्य, ग्राम जूना बिलुआ, कर्नाटक। कब गए थे? नवरात्रि बाद में। क्या एडवांस देते थे? एडवांस से 40,000 दिया था। तो क्या हुआ? गन्ना काटने गया था सर। क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद? वो खाने का धान्य दिया था वो भी छीन लिया था। वो बाद में रात को उधर तो सूता था रास्ता हुआ। पैसे वापस ले लिए आपकी मजदूरी? पैसा वापस ले लिया। वो फ्री में काम करवाया? हाँ फ्री में, बाद में काम करा। पैसा तो उसको मोरे को लेके आता सब बोल रहा था, वो कैसे भाग गया वो मोबाइल बंद करके। दो मोबाइल हमारा किसके लेके गया था? एक्सीडेंट किसका हुआ था? नानसिंह का। कैसे हुआ है? गाड़ी से कैसे वो लेके गया था? गाड़ी लेके का पैसे मांगे थे इलाज के लिए उनके। वो गाड़ी का किधर गया था? वो गाड़ी लेके हम काम कर रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? कालो। कहाँ रहते? गुलरियापान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।